टुडे वी डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। तो आज पढ़ेंगे एससीआर के अभिलक्षण, वीआई अभिलक्षण के बारे में, जो कि पहले ही पढ़ चुके हैं। जो थायरिस्टर होता है वो उसमें फोर लेयर होता है, पीएनपी फोर लेयर थ्री जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, जिसमें कम से कम तीन पीएन जंक्शन होते हैं, और इसका प्रयोग हाई पावर ऑपरेशन में इलेक्ट्रिकल स्विच की भांति प्रयोग करते हैं, जिसमें थ्री बेसिक टर्मिनल होते हैं, जैसे एनोड, कैथोड और गेट होते हैं ऑन द सेमीकंडक्टर लेयर ऑफ द डिवाइस। जैसे एनोड, कैथोड और गेट है, ये एससीआर या थायरिस्टर का सिंबल्स है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स खींचने के लिए, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज और करंट रिलेशन खींचने के लिए एक फिगर सर्किट डायग्राम ड्रा किया जाता है, जिसमें एक एससीआर के एनोड तथा कैथोड के मध्य एक सप्लाई को जोड़ा गया है, तथा गेट और कैथोड के मध्य एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू एक स्विच की बात ही एक सप्लाई को जोड़ा गया। ये जो सर्किट डायग्राम है, ये वीआई अभिलक्षण खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है एससीआर के। चूँकि जो एससीआर होता है उसके वीआई अभिलक्षण खींचने के लिए इसके जो बेसिक मोड ऑफ ऑपरेशन है, थ्री बेसिक मोड ऑफ ऑपरेशन, उसको जानना ज़रूरी होता है, यानी उसी के आधार पे जो थ्री बेसिक मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं उसी के आधार पे वीआई अभिलक्षण खींचे जाते हैं। ये तीनों बेसिक मोड ऑफ ऑपरेशन है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है उसे ऑफ स्टेट मोड कहते हैं, जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होता है उसे ऑन स्टेट मोड कहते हैं। तो सबसे पहले रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ऑफ द थायरिस्टर पढ़ेंगे, तथा इसको कैरेक्टरिस्टिक्स पर देखेंगे कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहाँ पे किस तरह से खींचा जाता है। जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड जो ऑपरेशन होता है उसको वीआई अभिलक्षण में खींचने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कैथोड को एनोड की अपेक्षा पॉजिटिव कर देते हैं, यानी एनोड पर निगेटिव सप्लाई तथा कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, जिससे जंक्शन J1 और J3 रिवर्स बायस हो जाता है और J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं। चूँकि जंक्शन J1 का जो पी टाइप है निगेटिव से और एन टाइप पॉजिटिव से जुड़ा होता है, जिससे J1 जंक्शन रिवर्स बायस, चूँकि एन टाइप निगेटिव से और ये पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ा है, जिससे ये वाला J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस, चूँकि एन टाइप कैथोड से और पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ा है, चूँकि एन टाइप पॉजिटिव से और पी टाइप निगेटिव जुड़ा है, जिससे J3 जंक्शन रिवर्स बायस होता है। इस तरह से J1 J3 जंक्शन रिवर्स बायस होता है, J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो SCR होता है उसमें रिवर्स लीकेज करंट प्रवाहित होती है। जो वीआई अभिलक्षण का ये वाला जो कर्व है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, इस मोड में क्या होता है, जो J1 और J3 जंक्शन रिवर्स बायस तथा J2 जंक्शन के फॉरवर्ड बायस में होने के कारण जो SCR होता है उसमें लीकेज करंट माइक्रो एम्पियर में प्रवाहित होती है। अगर एनोड तथा कैथोड के मध्य वोल्टेज का मान रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक कर दिया जाए, ये रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज है, इससे अधिक बढ़ा दिया जाए, तो इसमें करंट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तथा जिस समय एनोड तथा कैथोड के मध्य वोल्टेज रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होता है, यानी इससे कम वोल्टेज होता है, उस समय जो SCR होता है हाई इम्पीडेंस ऑफर करता है। द SCR इन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में देयर फॉर बी ट्रीटेड एज ओपन सर्किट। जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है थायरिस्टर का, वो एज ए ओपन सर्किट की बात ही व्यवहार करता है, यानी ओपन स्विच की बात ही या ओपन सर्किट की बात ही व्यवहार करता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड ऑफ थायरिस्टर में। यानी इस वाले मोड में जो ये वाला भाग है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का, इस समय जो SCR होता है वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है और एक ओपन स्विच की बात ही, ओपन सर्किट की बात ही व्यवहार करता है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसमें एक चीज़ और देखेंगे, जो VBR है ये रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज है, जो VBO है ये फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है, जो IGO गेट करंट है, ये IG गेट करंट को प्रदर्शित किया गया है, ये एनोड वोल्टेज है, ये एनोड करंट है, नेगेटिव एनोड वोल्टेज तथा नेगेटिव एनोड करंट। जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो एनोड होता है कैथोड के पीछे पॉजिटिव होता है,
जिससे जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं, J2 जंक्शन रिवर्स बायस में होता है, क्योंकि J2 जंक्शन का जो एन टाइप है पॉजिटिव से पी टाइप निगेटिव जुड़ा है, जिससे J2 जंक्शन रिवर्स बायस में होता है और J1 चाहे J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होते हैं, और इस टाइम गेट को ओपन रखा जाता है। ड्यू टू दिस ए स्मॉल लीकेज करेंट फ्लो थ्रू द SCR, चूँकि J2 जंक्शन क्या होता है रिवर्स बायस होने के कारण इसमें भी एक स्मॉल लीकेज करंट प्रवाहित होती है, जब तक कि इस पर एनोड तथा कैथोड के मध्य जो वोल्टेज है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक न कर दिया जाए। अनटिल द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द SCR इज मोर देन ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ इट, SCR ऑफर ए वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द करंट फ्लो, चूँकि जिस समय एनोड तथा कैथोड के मध्य जो वोल्टेज होता है अगर ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक ना किया जाए तो उस समय ये वाला जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होता है SCR का, ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी कम करंट प्रवाहित होती है इस समय। ये जो भाग होता है यानी मोड ऑफ ऑपरेशन होता है ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑपरेशन होता है। देयर फॉर द SCR एक्ट एज ओपन स्विच इन द मोड ऑफ ब्लॉकिंग फॉरवर्ड करेंट फॉलोइंग थ्रू द SCR इज शोइंग VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ SCR। ये वाला जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ ऑपरेशन, इस समय जो SCR होता है ये ओपन स्विच की बात ही व्यवहार करता है, यानी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में भी। ये वाला जो पोर्शन है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहलाता है, जब तक कि एनोड तथा कैथोड के मध्य जो वोल्टेज है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक न कर दिया जाए। नेक्स्ट है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इन दिस मोड SCR ऑफ थायरिस्टर कम इन टू द कंडक्शन मोड फ्रॉम ब्लॉकिंग मोड। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहलाता है। इस मोड में जो SCR होता है वो ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आ जाता है, यानी रिवर्स मोड से फॉरवर्ड मोड से, यानी ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में SCR आ जाता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। इट कैन बी डन इन टू टू वे, इन आइदर वी अप्लाई पॉजिटिव पल्स टू गेट टर्मिनल आर इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज बियॉन्ड द ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ द SCR। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड दो तरीके से लाया जाता है, यानी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाने के लिए SCR में दो विधियाँ हैं। पहली विधि ये है कि गेट तथा कैथोड के मध्य पॉजिटिव सप्लाई दे दिया जाए, और दूसरी विधि ये है कि एनोड तथा कैथोड के मध्य जो वोल्टेज है उसको ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक कर दिया जाए। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड ऑपरेशन में SCR को लाने के लिए दो विधियाँ हैं, एक तो एनोड तथा कैथोड के मध्य ब्रेक ओवर वोल्टेज अधिक कर दिया जाए, दूसरा गेट तथा कैथोड के मध्य पॉजिटिव सप्लाई दे दिया जाए। इन दोनों विधियों से जो SCR होता है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ सकता है। वंस एनी वन ऑफ दीज मेथड इज अप्लाई द एवलांच ब्रेक डाउन ऑफ एट जंक्शन J2, देयर फॉर द SCR टर्न्स इनटू कंडक्शन मोड। एक टच क्लोज स्विच देयर करंट स्टार्ट फॉलोइंग थ्रू इट। चूंकि जो एनोड तथा कैथोड के मध्य एनोड, चूंकि जब एनोड के मध्य एनोड पर पॉजिटिव सप्लाई कैथोड पर निगेटिव सप्लाई लगाते हैं, जिससे J2 जंक्शन क्या होता है रिवर्स बायस होता है और J1 और J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है। अगर एनोड तथा कैथोड के मध्य वोल्टेज का मान ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक कर देंगे, जिससे J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाए, जिससे J1 और J3 पहले से ही फॉरवर्ड बायस में थे और J2 जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, जिससे एनोड तथा कैथोड के मध्य करंट फ्लो होती है जो SCR होता है एज ए क्लोज स्विच की बात ही व्यवहार करता है। नोट दैट द VI कैरेक्टरिस्टिक्स फिगर, इफ द गेट करंट वैल्यू इज हाई द मिनिमम विल बी टाइम टू कम इन कंडक्शन मोड एज IG3, IG2 एंड IG1। एक चीज और है कि अगर गेट तथा कैथोड के मध्य जो पॉजिटिव वोल्टेज अगर लगा दिया जाए तो जो गेट करंट होती है वो बहुत जल्दी प्रवाहित होने लगती है, यानी जो SCR का जो कंडक्शन होता है बहुत कम समय में ही बहुत जल्दी होने लगता है,
जैसे जो आई जी थ्री है उसका मान अधिक है, आई जी टू का मान उससे कम है, और सॉरी आई जी वन का मान सबसे अधिक है, आई जी टू का मान कम है और आई जी थ्री का मान सबसे कम है। यानी गेट तथा कैथोड के मध्य अगर जैसे ही सप्लाई दे दें तो जो एस सी आर होता है उसमें कंडक्शन बहुत पहले ही हो जाता है। इट इज ऑल्सो नोटेड दैट द इफ गेट करेंट इज इंक्रीजिंग द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द एस सी आर इज लेफ्ट इफ गेट वायसिंग इज प्रीफर। अगर गेट वायसिंग प्रीफर करते हैं, अगर गेट वायसिंग प्रीफर किया जाए यहाँ पे गेट और कैथोड के मध्य सप्लाई दी जाए और गेट वायसिंग प्रीफर की जाए और एनोड तथा कैथोड के मध्य भी सप्लाई दी जाए, तो क्या होता है जो एस सी आर होता है वो उस एस सी आर जो होता है बहुत जल्दी उसमें करंट प्रवाहित होने लगती है। द करंट एट विच द एस सी आर टर्न इनटू कंडक्शन मोड फ्रॉम ब्लॉकिंग मोड इज कॉल्ड द लैचिंग करंट। जो लैचिंग करंट होती है वह करंट होती है जिसमें एस सी आर ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में चला जाता है। यानी यहाँ से जो यहाँ वाला पार्ट है ये लैचिंग करंट कहलाती है। अगर मान एस सी आर ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में चला जाता है, यानी उसमें तीनों जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं तो वो जब उसमें करंट प्रवाहित होती है वह लैचिंग करंट कहलाती है। यानी लैचिंग करंट वह करंट है जिसमें एस सी आर ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में चला जाता है। एंड ऑल्सो वेन द फॉरवर्ड करेंट रीच टू द लेवल एट विच द एस सी आर रिटर्न टू ब्लॉकिंग स्टेट इज कॉल्ड द होल्डिंग करेंट। करेंट का वह लेवल जिससे एस सी आर पुनः कंडक्शन मोड से ब्लॉकिंग मोड में चला है, यानी ये वाली जो करेंट है इसमें अगर इतनी करेंट प्रवाहित होने लगे एस सी आर में तो एस सी आर कंडक्शन मोड से पुनः ब्लॉकिंग मोड में चलाएगा, यानी ऑफ स्टेट ऑन स्टेट से पुनः ऑफ स्टेट में चलाएगा। तो यह होता है होल्डिंग करेंट। यानी एक बार और देख लेंगे लैचिंग करंट क्या होती है। लैचिंग करंट वह करंट होती है जिसमें एस सी आर ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में चला जाता है, और होल्डिंग करंट वह करंट होती है जिसमें एस सी आर ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में चला जाता है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।